मॉर्निंग गोलॉफ, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत से लोग पैकिंग हेल्पर्स की जॉब के बारे में पूछ रहे थे कि कोई वैकेंसीज आए तो बताएं। तो फाइनली अभी दुबई, अजमान और शारजा, इन तीन लोकेशन पे एक कंपनी है ग्रीन हाउस के नाम से, वो अभी हायर कर रही है बंदों को। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, सैलरी मात्र 1200 रुपये है, और बिगनर के लिए कम भी नहीं है। जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग अभी फ्रेशर हैं, उनके लिए कम भी नहीं है। 1200 रुपये सैलरी प्लस 200 एक्स्ट्रा है आपका, और फूड, मेडिकल, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें कंपनी की हैं। और अगर ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटीज़ में इन्होंने 10 घंटे बताए हैं, उसके बाद अगर आप करना चाहें तो ओवर टाइम आप कर सकते हैं, वो इसमें है। छुट्टी आपको हफ्ते में एक मिलेगी, यानी आपको महीने के 26 दिन काम करना है। तो 1200 सैलरी है, ड्यूटी आपकी 10 घंटे है, 26 दिन महीने में काम करना है। वीक ऑफ के हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी, वीज़ा, मेडिकल, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें कंपनी की होंगी। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ खास नहीं, अगर आप 10+2 भी हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेशनलिटीज़ में बताया गया है कि आप अगर इंडिया से हैं ट्राई कर सकते हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या फिर श्रीलंका से हैं। ये कुछ ऐसी नेशनलिटी है जहाँ से अगर आप हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दी जाएगी, आप वहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी पर जाके अटैच करके अपनी सीवी आप सेंड कर दीजिए। होप जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार बहुत से लोग सीवी मेरे पास भेजते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सीवी बनाओ यार। मतलब ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप अपने से खुद लेके आओ। अब ये छोटी छोटी बातें थोड़ी ना लोग आपको बताएंगे कि आप सीवी कैसे बनाओ। सीवी आप अपने हिसाब से बनाओ कि हाँ कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है। इतने सारे पेज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर या फिर आपको गूगल के ऊपर, आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो यार कैसी आपको रिज्यूम, कैसी आपको सीवी बनानी है। ठीक है, उसके बाद ताकि जैसे बंदे के पास जाए थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, हाँ यार सीवी है, बंदे में दम है। क्वालिफिकेशन भी आप अपनी थोड़ी सी हिसाब से लिखो, अच्छे से लिखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बताने वाली होती नहीं, लेकिन देखते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर एक वीडियो बन जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।